A very good morning to all of you. Today we will start our next experiment, that is experiment number 16, that is to determine the sinking time and water holding capacity of absorbent cotton wool IP. तो मतलब हमको जो इस एक्सपेरिमेंट में आज देखना है वो ये है कि हम किस तरह से कि जो वाटर है जो हमने एब्जॉर्बन कॉटन है उसको उसका सिंकिंग टाइम मतलब कि कितना टाइम उसको लगता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब वहाँ पे करता है, कितना टाइम में वो सिंक होता है वाटर में, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये आज हम मेज़र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है न्यू कंसेप्ट इसमें क्या है सीखने जैसे कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सिंकिंग टाइम। तो आज हम जो सीखने वाले हैं कि हम देखेंगे कि जो मेथड है डिटर्मिनेशन की सिंकिंग टाइम के लिए वो कैसी होती है या कैसी उसको हम यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट मेथड कौन कौन सी है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, मतलब जो हमको अगर मेज़र करना है कि एक पर्टिकुलर कॉटन वूल के अंदर वो किस तरह से हम मेज़र करेंगे कि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये दो चीज़ें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सो इन दैट सबसे पहले आप एक डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक बास्केट बना हुआ है जो कि उन्होंने ये एक बास्केट है और एक बीकर है। तो ये जो डायग्राम है हम उसको प्रोसीजर के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसीजर है उसमें उन्होंने प्रिंसिपल जो बताया कि भाई हमको ये टेस्ट क्यों करनी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो वाटर जो कॉटन है जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो कॉटन हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम क्यों उसका सिंकिंग टाइम और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्यों मेज़र करेंगे हम। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसका प्रिंसिपल दिया है, सो इन दैट अब्जॉर्बेंसी टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ फैटी मटेरियल फ्रॉम द कॉटन। तो यहाँ पे उनको ऐसे बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल हम ये जो हम देखेंगे आज वो इस बेसिस पर है कि वो ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो अब्जॉर्बेंसी टेस्ट है मतलब कि कॉटन कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये टेस्ट क्या क्यों करते हैं हम, क्यों क्या इंडिकेट करती है टेस्ट। तो ये टेस्ट ये इंडिकेट करती है कि भाई कि उस कॉटन से कंप्लीट रिमूवल हुआ है या नहीं हुआ है फैटी सब्सटेंस का, या जो फैटी मटेरियल है वो पूरी तरीके से रिमूव हुआ कि नहीं। तो आपके दिमाग में ऐसे कुछ आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉटन के ऊपर अगर फैटी मटेरियल प्रेजेंट रहा तो वो ठीक तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या वो कॉटन, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होने की वजह से जितना उसका एब्जॉर्बेंसी की स्ट्रेंथ है उतनी वो एब्जॉर्बेंसी वहाँ पे नहीं दिखा पाएगा, वो उतना वहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता लिक्विड। और हम कॉटन को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग के टाइम पे, सर्जिकल ड्रेसिंग के टाइम पे, क्यों, किस, क्योंकि जो कॉटन है वो क्या करता है, जितने भी फ्लूड्स जो भी पस वहाँ पर जो जमा हुआ होता है जो निकल रहा होता है वहाँ से वो उसको क्या करता है, वो सोक कर लेता है उसको, है ना। तो इसलिए ये हमारा इस ये जो पर्पज़ है ये कॉटन का पर्पज़ है। लेकिन अगर वहाँ पर किसी तरह से अगर वहाँ पर उस कॉटन में फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट रहे तो फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होगा कि वो जो वाटर जो उस पर्टिकुलर कॉटन की जो कैपेसिटी है कि वो उसको सोक करने की जो उसकी कैपेसिटी है या उसको जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो उसको वहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम ये जो टेस्ट है वो ये इंडिकेट करती है कि वहाँ से उस कॉटन से कंप्लीट रिमूवल ऑफ फैटी सब्सटेंस हुआ है या नहीं हुआ है। सो एब्जॉर्बेंसी ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन मे बी लॉस्ट और डिक्रीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टोरेज और एक्सपोजर टू हीट और डैम्पनेस। मतलब कि क्या कि जो एब्जॉर्बेंसी होती है एब्जॉर्बेंट कॉटन की कि जो मतलब कि उसकी उस पर्टिकुलर कॉटन की एब्जॉर्ब करने की वाटर को या किसी भी फ्लूड को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो सकती है, वो लॉस्ट यानी कि वो जा सकती है और डिक्रीज या कम भी हो सकती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टोरेज। अगर हमने वाटर को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखा तो उससे क्या होगा कि वाटर का जो एब्जॉर्बेंसी जो है उसकी वो एब्जॉर्बन कॉटन की वो एक तो जा सकती है या फिर वो कम हो सकती है। तो किस वजह से कम हो सकती है, वो ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टोरेज और एक्सपोजर टू हीट। अगर वो कॉटन को हमने हीट के ऊपर एक्सपोज किए तो इस वजह से, या अगर हमने उसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखा तो इस वजह से जो कॉटन है उसकी वहाँ पर क्या हो सकती है, एब्जॉर्बेंसी वहाँ पर उसकी जा सकती है। सो
Absorbency test is evaluated by sinking time test and water holding capacity of absorbent cotton wool. तो जो absorbency है कि मतलब कि उस वो जो cotton है वो कैसे water को absorb कर कितना water absorb करता है उसमें उस particular absorbent cotton के अंदर उसकी absorb करने की किसी भी fluid को absorb करने की क्षमता वो कितनी है वो हम कैसे determine करते हैं by with the help of two method कौन कौन सी sinking time test and वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो ये जो दो टेस्ट है ये दो टेस्ट की मदद से हम जो है वो इवेल्युएट करते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉटन की वाटर उस पर्टिकुलर कॉटन की अब्जॉर्बेंसी कितनी है. सो इन दैट स्टेप फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सिंकिंग टाइम. तो मतलब हम जो दोनों में से पहली टेस्ट आज देखेंगे वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सिंकिंग टाइम. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सिंकिंग टाइम के अंदर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने देखो ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट मोर देन 10 सेकेंड व्हेन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड. कि मतलब अगर तुम ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो जो सिंकिंग टाइम जो तुम मेजर करने वाले हो वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस टेस्ट के अंदर. अगर वो टेस्ट 10 सेकंड से ज़्यादा वो सिंकिंग टाइम हमको वहाँ पर देखने को मिलता है तो हम ऐसे बोलेंगे कि वो जो उसकी एब्जॉर्बेंसी है वो वहाँ पर क्या है चली गई उसकी एब्जॉर्बेंसी. और अगर वो 10 सेकंड से कम है तो वो टेस्ट हम बोलेंगे कि ये टेस्ट पास है. तो इस तरह से सिंकिंग तो हम अब हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट हम कैसे करेंगे. तो इन दैट सिंकिंग टाइम बास्केट अभी जैसे कि देखो इस तरह से बास्केट होता है सिंकिंग टाइम बास्केट ये इस तरह से बना हुआ होता है. देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है अ ड्राई सिलेंड्रिकल कॉपर वायर बास्केट 8 mm हाई एंड 50 mm इन डायमीटर. मतलब देखो फैब्रिकेटेड फ्रॉम वायर ऑफ डायमीटर 0.4 mm एंड हैविंग अ मेश अपर्चर ऑफ 15-20 mm द बास्केट वेज 2.4-3 ग्राम. तो देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज़ हमको बनानी है वो है कि कॉपर का हमको एक बास्केट बनाना है सिंकिंग टाइम बास्केट. ये इस तरह से हमको बास्केट बनाना है. तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे आप अब अपनी जो डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से बास्केट होता है. तो इस तरह से जो बास्केट है उसमें हमको ये जो थिकनेस है वायर की वो जो हम जो कॉपर वायर हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो कितनी होनी चाहिए 0.4 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए. और उसका जो क्या बोला उन्होंने वहाँ पर कि जो उसका हाइट है जो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 8 mm उसकी हाइट होनी चाहिए और 50 mm यानी कि 50 mm उसका क्या होना चाहिए डायमीटर होना चाहिए उसका 50 mm इस तरह से. और फैब्रिकेटेड फ्रॉम द वायर ऑफ और ये जो वायर जो हम यूज़ करेंगे किसकी कॉपर की उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए 0.4 mm एंड हैविंग द मेश अपर्चर ऑफ 15-20. मतलब कि ये जो दो मेश अपर्चर है उसके बीच में उसका गैप कितना होना चाहिए 15-20 mm. द बास्केट वेट्स 2.4-3 ग्राम. तो ये जो बास्केट का वेट है ये पूरा बनने के बाद में अगर हम उसका वेट करेंगे तो उसका वेट कितना आना चाहिए 2.4-3 ग्राम के बीच में इसका वेट होना चाहिए. सो सबसे पहली जो प्रोसीजर है जब हमने ये बना लिया तो ये कैसे बनाएंगे हम. जैसे कि हमने देखा कि उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए 8 mm उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए 50 mm इन डायमीटर एंड फैब्रिकेटेड फ्रॉम वायर ऑफ 4.4 mm डायमीटर. सो इस तरह से ये बना हुआ होता है इसके अंदर हमको. और इसको बनाने के बाद इसका वेट कितना आना चाहिए 2.4-3 ग्राम के बीच में. सो सबसे पहले हमको क्या करना है कि उसका वेट लेना है कि इस पर्टिकुलर बास्केट का वेट कितना है. तो उसको हमको वेट एक्यूरेटली इसका वेट लेना है. उसके बाद में टेक 5 samples ईच ऑफ एब्जॉर्ब अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस इन द मटेरियल अलॉन्ग विन एग्जामाइंड. मतलब क्या कि इसमें हमको सैंपल ऐड करना है. फिर हमारा जो कॉटन का जो सैंपल है वो सैंपल हमको इसमें ऐड करना है 1-1 ग्राम के अलग अलग 5 samples के हमको सैंपल इसमें ऐड करने हैं. उसके बाद में पैक लूजली इन द बास्केट एंड वेट द पैक बास्केट. फिर ये जो हमने जो मतलब कि 1-1 ग्राम कॉटन हम 5 sample के लेंगे उसको हमको इसमें पैक करना है. और लेकिन जब हम उसको पैक करेंगे तो उसको हमको लूजली पैक करना है ज़्यादा टाइट उसको मतलब इसमें मतलब फॉर एग्जांपल कॉटन को भरना नहीं है इसके अंदर हमको. इसको हमको लूजली वहाँ पे प्लेस करना है. उसके बाद में क्या करेंगे हम उसको फिर हम वे करेंगे किसके साथ में जब पूरा कॉटन इसमें हम फिल कर लेंगे उसको हम पैक कर लेंगे उसके बाद में उसका वे करेंगे. तो मतलब सबसे पहले हमने 2 बार वे किया. अभी सबसे पहले कब वे किया कि उसको हमने कॉटन इसमें ऐड करने से पहले उसको हमने वे किया. फिर उसके बाद में हम उसको कब वे करेंगे और डबल से जब हम उसके अंदर उस कॉटन वे फिल कर लेंगे. फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम कि जो फिर उसके बाद में क्या करेंगे टेक अ बीकर ऑफ एटलीस्ट 12
centimeter in diameter filled with water at 25 degree Celsius to the depth of 10 centimeters. मतलब कि हमको फिर क्या करना है, जब हमारा बास्केट के अंदर हमने कॉटन फिल करके उसको रेडी कर लिया, पांच सैंपल्स लेने, मतलब इसमें टोटल 5 ग्राम कॉटन रहेगा, एक एक ग्राम के 5 सैंपल. फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, डायमीटर मीन्स व्हाट, उसकी जो डायमीटर है वो कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर. एंड उसकी जो डेप्थ है, मतलब कि उसकी जो लेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए बीकर की, 10 सेंटीमीटर. तो इस तरह से वो हम बीकर लेंगे और इस तरह से हमारा ये रहेगा बास्केट. तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे, देखो उन्होंने लिखा है कि जो उसकी डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर. तो इतना उसको बनाने के बाद में हम उसको क्या करेंगे फिर कि मेजर द स्टॉप वॉच. देखो, होल्ड द बास्केट विथ द लॉन्ग एग्जिस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन एंड ड्रॉप इट फ्रॉम द हाइट ऑफ अबव 10 mm into water at 25 degree Celsius containing beaker. मतलब क्या करना है, वो जो beaker हमने लिया था जिसकी length जो है या depth जो है उसकी वो 10 centimeter है और उसका diameter जो है वो 12 centimeter है, तो ऐसे beaker में हमको water fill करके इसको जो हमने, यानी कि जो हमारा जिसमें हमने जो basket बनाया है जिसमें हमने 5 gram cotton के sample लिए हैं, उसको हमें इस तरह से उसको dip करना है, इस तरह से उसको छोड़ना है हमको उस particular beaker में इस तरह से. तो इस तरह से छोड़ने के बाद क्या होगा वहाँ पर, कि इस तरह से छोड़ने के बाद जैसे ही हम इसको ऐसे छोड़ेंगे, हमको साइड से स्टॉप वॉच क्या करनी है, ऑन करनी है. साइड से हमको क्या करनी है, स्टॉप वॉच ऑन करनी है कि इसको छोड़ने के बाद वो जब नीचे, जब वाटर की पूरे डेप्थ में जाने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू ये जो पर्टिकुलर सैम्पल है उसको जो अगर बीकर की डेप्थ तक जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है. तो हमको जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे इस तरह से, उसी तरह से हमको यहाँ पे हमारी स्टॉप वॉच से इसको कैलकुलेट करना है, स्टार्ट करना है, या फिर हमको यहाँ से स्टॉप वॉच हमारी रन करनी है इस तरह से. तो कितना टाइम इसको लगता है हम वो वहाँ पर देखेंगे. तो कितना टाइम देखा, तो हमने वहाँ पर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड से कम उसको टाइम लगना चाहिए अगर. और उसको ये जो प्रोसीजर है, देखो जिस तरह से उन्होंने डायग्राम में बताया है कि ये हमको क्या करना है, पहले जो बीकर है उसको इस तरह से लेना है, उसमें वाटर फिल करना है और इसको कहाँ प्लेस करना है, ऐसे बीकर के बिल्कुल नेक के पास उसको हमको से प्लेस पकड़ के रखना है, और जैसे ही हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया वैसे इसको इस तरह से छोड़ देना है. और वो ये जो बीकर है, ये जो बास्केट है, उसको लास्ट बीकर के एंड तक पहुँचने के लिए कितना टाइम वहाँ पर उसको लगता है, कितना टाइम उसको वहाँ पर लगता है, तो ये हमको वहाँ पर उसको मेज़र करना है. तो ये प्रोसीजर जो हमको 2 से 3 बार रिपीट करनी है, और फिर उसका मीन निकालना है कि कितना, 3 बार रिपीट करने के बाद में अलग अलग सैंपल से कितनी बार वो जो ये करने के बाद में कितना टाइम वो लेता है उस नीचे पहुंचने के लिए, वो हमको रिकॉर्ड करना है. तो अगर वो जो टाइम है वो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, 10 सेकेंड से कम होना चाहिए. और जो दूसरी प्रोसीजर है डिटर्मिनेशन के लिए वो कौन सी है, तो इस तरह से ये कौन सी, ये पहली मेथड हमने कौन सी देखी, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंकिंग टाइम. एंड जो दूसरी मेथड है वो कौन सी मेथड है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. मतलब कि इसमें हमने क्या देखा कि वो जो पर्टिकुलर कॉटन है उसको वो डेप्थ तक कब जाएगा, जब जो कॉटन जो है वो पूरी तरह से वाटर सोक कर लेगा, तो क्या होगा फिर, कॉटन वो नीचे यानी कि उस बीकर के लास्ट पोर्शन में वहाँ पर जाएगा कब, जब वो पूरी तरह से कॉटन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तब. तो हम वहाँ पे ये काउंट करेंगे कि कितना टाइम लगता है कॉटन को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और लास्ट तक जाने के लिए. जितनी जल्दी वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी वो नीचे जाएगा, और जितना लेट वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतना लेट वो, उतना टाइम उसको नीचे जाने के लिए लगेगा. तो हम इस बेसिस पे क्या डिसाइड करेंगे कि उसकी एब्जॉर्बेंस वहाँ पर, मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब करने की वहाँ पे उसकी क्षमता कितनी है उस कॉटन की, है ना. तो इस तरह से हम ये टेस्ट को करेंगे. और नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्टेप सेकंड, डिटरमिनेशन ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो इसमें हम ये देखेंगे कि हमको अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की डिटरमाइन करना है कि किस तरह से हमको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो कॉटन है वो कितना देर तक, कितना वाटर होल्ड कर सकता है. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नॉट लेस दैन 23 ग्राम ऑफ वाटर पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बन कॉटन वूल. मतलब कि अगर हमने 1 ग्राम का सैंपल लिया तो उसने कम से कम 23 ग्राम ऑफ वाटर उसने क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए. कितना, 23 ग्राम ऑफ वाटर. तो ये टेस्ट कैसे करेंगे हम कि एब्जॉर्बन वाटर, द टेस्ट शेल फॉलो द सिंकिंग टाइम टेस्ट.
जो टेस्ट है वो हम सिंकिंग टाइम टेस्ट के जैसे ही करेंगे। उसमें क्या है, रिमूव द बास्केट फ्रॉम द वाटर, अलाउ इट टू ड्रेन फॉर 30 सेकेंड विद इट्स लॉन्ग एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब क्या करना है, उसको पहले हमको इसको जो अपने बास्केट को हमने प्रीवियसली यूज़ किया है उसको हमको क्या करना है, बीकर से निकालना है, उसको फिर हमको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद में 30 मिनट्स तक के उसको ड्रेन होने के लिए हमको उसको रखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, ट्रांसफ़र इट टू अ टेयर्ड बीकर ऑलरेडी वेट एंड वेट इट। मतलब क्या करना है, फिर उसको हमको ट्रांसफ़र करना है कि जो ऑलरेडी वेट, मतलब ऐसा बीकर जिसका हमने ऑलरेडी वेट लिया हुआ है वैसे बीकर में उसको हमको ट्रांसफ़र करना है। एंड कैलकुलेट, और ये जो टेस्ट, ये जो जब हम उसको बीकर में प्लेस करेंगे तो उसमें क्या क्या फिल होना चाहिए, कॉटन इसमें फिल होना चाहिए। और कॉटन फिल करने के बाद में हम उसको सेम प्रोसीजर जो हमने अप्लाई की थी वो सेम प्रोसीजर हम उसको उसी को फॉलो करके ये जो कॉटन है उसको हम डिप करेंगे। तो डिप करने के बाद क्या होगा कि कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर रिटर्न बाय सैंपल। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉटन में वाटर जाने के बाद, वाटर भर निकलने के बाद जब उसको बाहर निकालेंगे तो वो जो कॉटन है वो कॉटन कितना, उस कॉटन जो है वो उसको हम वेट करेंगे कि कितना, उसको कितना वेट करेंगे कि भाई कितना उसको क्या लगा है, टाइम लगा है, या कितना उसने वाटर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो इसके लिए हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमको जो है जब हम उसमें कॉटन फिल करेंगे तो कॉटन फिल करने पहले हमको इसका वेट लेना है, इसका वेट लेने के बाद में उसमें कॉटन फिल करके इसका वेट लेना है, फिर उसके बाद में जो बीकर है जिसमें हमने वाटर लिया है उसका वेट लेना है, फिर उसके बाद में जब हम उसको सिंक करेंगे उसमें तो सिंक करने के बाद में हमको जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉटन में फिर ये बास्केट का वेट लेना है, फिर उसके बाद में उस वो जो पर्टिकुलर 1 ग्राम के सैंपल थे उसको हमको वेट करना है कि ये कितना 1 ग्राम के सैंपल ने कितना वाटर होल्ड किया है। तो उन्होंने यहाँ पे कितना दिया है, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको वे करेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखो अगर सिंकिंग टाइम का है तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किए थे, 5-5 ग्राम के सैंपल लिए थे, उसको 3 बार हमने ये प्रोसीजर रिपीट की थी। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ कि जब हमने उसको ऐसे छोड़ा और लास्ट पोजिशन तक के पहुँचा वहाँ पर, तो इतना कितना टाइम लगा उसको यहाँ पे उनको, तो 8-8 फॉर एग्जांपल अगर उनको 8 सेकेंड लगते हैं तीनों को तो हम बोलेंगे कि ये एवरेज क्या है उनका, 8 है। और 8 एवरेज होने की वजह से हम बोलेंगे कि जो टेस्ट है ये पास है। मतलब क्या, ये टेस्ट एज पर IP पास है। उसके बाद में जो दूसरी टेस्ट है वो कैसे करेंगे हम, यानी कि जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कैसे चेक करेंगे हम कि एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया उन्होंने यहाँ पे, देखो यहाँ इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि वेट ऑफ बास्केट प्लस कॉटन ड्राई। तो मतलब कि वेट ऑफ बास्केट, मतलब इस बास्केट का वेट और इसमें ड्राई कॉटन जो हमने ऐड की थी उसको ऐड करने के बाद में वो दोनों का वेट कितना है। तो वो जो वेट रहेगा उसको हम डीनोटिफाई किस चीज़ से करेंगे, वाई से। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, वेट ऑफ कॉटन। तो जो कॉटन हमने इसमें प्लेस की थी उसका वेट कितना है, 5 ग्राम। और फिर तीसरे टेबल के अंदर क्या रहेगा, वेट ऑफ बास्केट प्लस कॉटन आफ्टर ड्रेनिंग। मतलब क्या कि जो कॉटन है, ये जो वेट ऑफ बास्केट, मतलब कि जो बास्केट है उसको हमने जब डाल दिया उस वाटर में कॉटन के साथ में, तो उसको निकालने के बाद इसका कितना वेट है वो हम मेजर करेंगे। तो कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार। तो यहाँ पे उन्होंने तीन बार लिखा है, देखो 130, 120, 129, 128, तो इस तरह से। फिर उसके बाद में वेट ऑफ वाटर रिटेन, तो देखो अब देखो उन्होंने यहाँ पे इस कॉलम में क्या बोला कि कितना वाटर उसने रिटेन किया है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ उन्होंने फॉर्मूला दिया, देखो Z-Y, तो Z में से हमको Y माइनस करना है। मतलब Z क्या है यहाँ पे, Z है वेट ऑफ बास्केट प्लस कॉटन आफ्टर ड्रेनिंग, मतलब कॉटन को डिप करने के बाद उसका वेट कितना था। तो जो Z है उसमें से हमको माइनस करना है Y। तो जो हमारा रिजल्ट या जो हमारी रीडिंग आएगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वेट ऑफ वाटर रिटेन की, भाई मतलब वहाँ पे कितना कॉटन प्रेजेंट है, सॉरी कितना वाटर प्रेजेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो था, ये जो रीडिंग आई यहाँ पे उनकी 122, 121, 120, तो ये जो रीडिंग थी ये थी 5 ग्राम के लिए। तो उसके बाद में क्या करना है, हम जो 1-1 ग्राम के जो 5 सैंपल लिए थे फिर उसका वेट करना है। तो हम कैसे कैसे करेंगे इसको, फिर हम कैलकुलेट Z-Y is divided by Y-X। तो फिर क्या आएगा कि हमको पर्टिकुलर ग्राम के अंदर कितना उसने वाटर होल्ड किया है वो हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ये जो हमारी रीडिंग रहेंगी इसका हम एवरेज निकालेंगे और वहाँ पे इसे पुट करेंगे कि कितना एवरेज उसका वहाँ पर बनता है। तो उसके बाद में जो भी फिर हमारे रिजल्ट आएंगे फिर हम उसको इस तरह से रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो था हमारा वो प्रैक्टिकल नंबर 16 यहाँ पे फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चंस के आंसर है आपको ये आपकी रफ नोटबुक में और उसको फिर आपको मैनुअल में फेयर करके लाने हैं एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन।
next practical is experiment number 17, that is to determine the loss on drying on absorbent cotton. तो इसमें हमको कॉटन का लॉस ऑन ड्राइंग चेक करना है. तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है भाई, जिसके अंदर हमको क्या करना है, जो कॉटन है हमारा उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट है वो हमको देखना है कि भाई जो हमारा कॉटन है सर्जिकल कॉटन उसमें मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है. तो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेट, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉटल का वेट करेंगे, फिर उसके बाद में उसको जिस चीज़ के अंदर अपने को कॉटन प्लेस करना है सबसे पहले हम उसका वेट लेंगे. फिर उसका वेट जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीकर में या फिर किसी चीज़ में हमको वेट लेना है, बॉटल में, ग्लास बॉटल में उसका, तो उसका पहले हम उसको ड्राई करके उसका वेट लेंगे. उसका वेट लेने के बाद में फिर हम उसको क्या करेंगे, ओवन के अंदर रखेंगे, ओवन के अंदर खाली रखेंगे अभी उसको. फिर खाली रखने के बाद में क्या करेंगे, ड्राई द सैंपल टिल कॉन्स्टेंट वेट. और उसको क्या करेंगे हम, उसको ओवन में रखने के बाद उसको फिर वापस वेट करेंगे, फिर उसको वापस ओवन में रखेंगे, फिर उसको वापस वेट करेंगे. तो हम ये चेक करेंगे कि उसका वेट कांस्टेंट आता है क्या. अगर वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, वेट कम कम होते जा रहा है, तो हम उसको हमको उसको तब तक रखते जाना है तब तक कि हमको कांस्टेंट वेट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता. तो ऐसा करने से क्या होगा कि उस बॉटल में जितना भी मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो वहाँ से पूरी तरह से निकल जाएगा. और फिर क्या करना है, उसके बाद में उसको हमको रिमूव करना है ओवन से. ओवन से उसको रिमूव करने के बाद में उसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर बॉटल में हमको सैंपल ऐड करना है. और सैंपल ऐड करके फिर हम उसको क्या करना है, सैंपल ऐड करने के बाद में उसको फिर से हमको ओवन में रखना है. और ओवन में रखने के बाद कितना उसका वेट जो है वो कम हुआ वो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे. तो उसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर हम देखते हैं यहाँ पे कि भी क्या है कि लॉस ऑन ड्राइंग इज द लॉस इन वेट इन परसेंट वेट बाय वेट रिजल्टिंग फ्रॉम द वाटर एंड वोलेटाइल मैटर ऑफ एनी काइंड दैट कैन बी ड्राइवन ऑफ अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. कि मतलब क्या है, लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट हमको ये चीज़ क्यों चेक करते हैं हम, कि उसमें हमको कितना वेट बाय वेट उस पर्टिकुलर सैंपल का वेट कम हुआ है, परसेंट वेट, ये हम वहाँ पे देखते हैं. तो ये वेट जो है वो कम किस वजह से होता है, उसके दो रीज़न है. एक तो अगर उसमें किसी तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट है, या फिर उसमें किसी तरह का वोलाटाइल मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है. तो वोलाटाइल मैटर मीन्स व्हाट, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि टेम्परेचर के ऊपर इवापोरेट हो जाता है ना. तो इस तरह की अगर चीज़ें उसमें प्रेजेंट है तो इस चीज़ों से, तो कितनी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए या कितना उसका मॉइस्चर उसमें होना चाहिए कॉटन में, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल इज प्योर सेलुलोज एंड कंटेन अराउंड 6 to 7% मॉइस्चर. तो जो कॉटन वूल होता है, जो हम एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज़ करते हैं, तो उसका जो वो किस चीज़ से बना होता है, प्योर सेलुलोज से. क्या होता है वो पूरी तरह से, क्या होता है वो सेल्यूलोज होता है कॉटन, और उसमें क्या होता है, 6 to 7% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. लेकिन डैम्प कॉटन में शो इंक्रीज निप्स एंड रिड्यूस एब्जॉर्बेंसी. मतलब कि जो कॉटन डैम्प होता है, मतलब जो पुराना हो जाता है कॉटन, तो उसमें क्या होता है, निप्स होते हैं. निप्स मतलब ऐसे गांठ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, अगर वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं वो पुराना होने की वजह से, जिसके अंदर वो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एब्जॉर्बेंसी के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता है. देयरफॉर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एब्जॉर्बेंट कॉटन इज इम्पॉर्टेंट टू इवैल्यूएट. सो इस वजह से कितना मॉइस्चर उस पर्टिकुलर कॉटन में, एब्जॉर्बर कॉटन में प्रेजेंट है, ये जो है ये मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि जो उसकी एब्जॉर्बेंसी है वाटर की, वो एब्जॉर्बेंसी क्या होगी उसकी कॉटन की, वो कम होंगी. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मॉइस्ट है या उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है इसलिए. सो हम क्या करते हैं कि लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ कॉटन. सो उसकी प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. तो जो उसमें पहली स्टेप है वो ये है कि ड्राई अ ग्लास स्टॉपर शैलो वेइंग बॉटल इन एन ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. मतलब कि जो बॉटल में हमको पहले कॉटन रखना है उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको हमको ओवन में रखना है खाली को, किस कितने टेम्परेचर के ऊपर, 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. फिर उसको क्या करना है, अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर एंड देन वे द बॉटल एक्यूरेटली. फिर उसको हमको क्या करना है, 30 मिनट्स उसको 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखने के बाद वो बॉटल को हमको रूम टेम्परेचर के ऊपर कूल करना है. उसके बाद में 5 ग्राम एब्जॉर्बेंट कॉटन वे करनी है, और 5 ग्राम एब्जॉर्बेंट कॉटन वे करने के बाद उसको क्या करना है, हमको बॉटल में ट्रांसफ़र करना है. बॉटल में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करना है, क्लोज द बॉटल विद स्टॉपर एंड वेट इट. फिर वाटर जो है, जो बॉटल है उसको हमको उसको क्लोज करना है, और फिर उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द सैंपल एज इवनली एज
प्रैक्टिसेबल बाय जेंटल साइडवाइज शेकिंग। मतलब क्या करना है, वो जो बॉटल में हमने प्लेस किया है उसको, तो उसमें से दबा कर नहीं भरना है कॉटन को, उसको हमको जितना लूज रख सकते हैं उसको उतना लूज उसको वहाँ पर रखना है हमको। और उसके बाद में क्या करना है, प्लेस द लोडेड बॉटल इन द ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस। और फिर क्या करना है हमको, वो जो बॉटल है जिसमें हमने 5 ग्राम कॉटन ऐड किया है उसको हमको क्या करना है, ओवन में रखना है एट 105 डिग्री सेल्सियस। रिमूव द स्टॉपर, द स्टॉपर शुड बी प्लेस्ड इन ओवन। तो जो स्टॉपर है वो हमको रिमूव करके रखना है, लेकिन वो जो स्टॉपर है वो ऑलरेडी ओवन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्राई द सैंपल टू द कॉन्स्टेंट वेट। कॉन्स्टेंट वेट मीन्स टू कॉन्सिक्यूटिव वेइंग डू नॉट डिफर बाय मोर देन 0.5 mg पर ग्राम ऑफ द सब्सटेंस टेकन। द सेकंड वेइंग शुड बी मेड आफ्टर एन एडिशनल 1 आवर ऑफ ड्राइंग। मतलब क्या करना है, देखो कि जब आपने बॉटल के अंदर कॉटन रख दिया और उसको प्लेस किया, तो आपको उसको फिर 1 आवर के बाद में चेक करना है उसका वेट अगर वहाँ पे कम होता है तो उसको हमको नोट करना है, और फिर उसके बाद में उसको फिर से ओवन में रखना है, और फिर से ओवन में रखने के बाद में हमको उसको प्रोसीजर पूरी रिपीट करके फिर से उसका वे करना है। अगर वहाँ पर वो और वेट कम होता है तो फिर हमको फिर से उसको ओवन में रखना है। तो ऐसा हमको कब तक के रिपीट करते जाना है, तब तक कि हमको उसको ड्राई करने के बाद में कांस्टेंट वेट नहीं मिल जाता। तो कांस्टेंट वेट अगर हमको मिल गया तो इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि वो जो कॉटन है उसको पूरी तरीके से वहाँ पे ड्राई हो चुका है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर ड्राइंग इज कंप्लीट ओपन द ड्राइंग चेंबर, क्लोज द बॉटल इमीडिएटली एंड अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर इन द डेसिकेटर बिफोर वेइंग। मतलब क्या करना है कि सबसे पहले जो फिर हमको क्या करना है, जब उसका वेट कांस्टेंट आने लगा है तो कांस्टेंट आने के बाद क्या करना है हमको, उसको वेइंग उसको ओवन से बाहर निकालना है और रूम टेम्परेचर के ऊपर उस बॉटल को कूल करना है। और कूल करने के बाद क्या करना है, वेट द बॉटल विथ कंटेंट, जो बॉटल है उसको एज इट इज हमको वेइंग बैलेंस पर रख के उसका वेट लेना है। और फिर उसका वेट लेने के बाद में क्या कैलकुलेट करना है, लॉस ऑन ड्राइंग इन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, कि मतलब जो लॉस ऑन ड्राइंग, मतलब कितना उसमें से मॉइस्चर जो है वो लॉस हुआ है या ड्राई हुआ है, वो हमको यहाँ पे मेजर करना है। तो यहाँ पर उन्होंने नोट दिया कि वेयर ड्राइंग इज एन डेसिकेटर इज स्पेसिफाइड, केयर मस्ट बी टेकन टू कीप द डेसिकेंट फुल्ली इफेक्टिव बाय फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या करना है कि जो जैसे कि हमको यहाँ पर लॉसन ड्राइंग देखनी है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो हमारा कॉटन है वो फिर से ओवन में से निकालने के बाद फिर से वो उसमें किसी तरह का मॉइस्चर वहाँ पर ना आए। तो उसके बाद में ऑब्जॉर्बेंस का ऑब्जॉर्वेशन क्या क्या देखेंगे हम, कि वेट ऑफ एम्प्टी शैलो वेइंग बॉटल, कि जो बॉटल हमने बनाई है उसका जो खाली बॉटल है जिसमें हमने कॉटन प्लेस किया, तो उसका खाली बॉटल वेट कितना है वो हमको वहाँ पे नोट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 55.88 जो है ग्राम वो उस पर्टिकुलर बॉटल का था, जिसको हम डिनोटिफाई करेंगे एक्स से। दूसरा क्या है कि वेट ऑफ एम्प्टी शैलो वेइंग बॉटल प्लस कॉटन, मतलब कि उस पर्टिकुलर बॉटल में कॉटन ऐड करने के बाद उसका वेट कितना हुआ, फिर हम वो नोट करेंगे। बिफोर कीपिंग इन द ओवन, मतलब कि ओवन में रखने से पहले उस कॉटन का और उस बॉटल का वेट कितना था वो हमको नोट करना है। फिर उसके बाद में वेइंग ऑफ एम्प्टी बॉटल, वेइंग बॉटल प्लस कॉटन, फिर हमको क्या करना है कि उसका वेट करना है आफ्टर रिमूवल ओवन में से निकालने के बाद में, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका वेट लेंगे। फिर हम उसका वेट यहाँ पे नोट करने के बाद में हम तीनों मोड को अलग अलग एब्रिवेशन से डीनोटिफाई करेंगे, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड। फिर उसके बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वेट ऑफ कॉटन टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। तो जो वेट लिए थे हमने कॉटन का, कैसे हम जो कॉटन हमने लिए थे 5 ग्राम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई मतलब कि जो वाई है वाई माइनस एक्स, मतलब कि वाई में से एक्स माइनस करेंगे तो जितना वहाँ पे आंसर आएगा वो बोलेंगे हम कि ये है कॉटन का वेट। और फिर हमें वेट लॉस ऑन ड्राइंग, तो लॉस ऑन ड्राइंग कैसे पता चलेगा हमको कि लॉस ऑन ड्राइंग कितना हुआ, तो जो वाई है यानी कि वाई कौन सा, ये वाई क्या था कि वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस कॉटन बिफोर टेकिंग इन द ओवन, तो वो जो वेट है वो वेट में से हमको क्या माइनस करना है, जेड क्या है कि वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस कॉटन आफ्टर ड्राइंग, मतलब आफ्टर ड्राइंग के बाद उसका कितना वेट आया, तो फिर वहाँ पे हमको वो वेट लिखना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.25 ग्राम उसका वेट आया है। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम, 5 ग्राम ऑफ सैंपल गिव्स 0.25 ग्राम ऑफ वेट लॉस ऑन ड्राइंग, मतलब कि 0.25 क्या है, ये वेट लॉस है। सो देयरफॉर अगर यहाँ पर उन्होंने बोला कि 5 ग्राम सैंपल को, सैंपल गिव्स 0.25 ग्राम ऑफ वेट लॉस ऑन ड्राइंग, मतलब कि कितना वेट लॉस हुआ 5 ग्राम के सैंपल में, 0.25,
सो अगर वो जो 5 ग्राम का सैंपल है उसमें 0.25 वेट लॉस हो रहा है, तो उसी सैंपल के 100 ग्राम अगर हम सैंपल लेते हैं तो उसमें कितना वेट लॉस होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे कि 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इज डिवाइडेड बाय 5, तो जो आंसर आएगा हमारा 5.8, ये क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है ऑफ लॉस ऑन, सॉरी वेट बाय वेट है लॉस ऑन ड्राइंग का। तो हम इसका रिजल्ट फिर ऐसे लिखेंगे कि एज पर IP लॉस ऑन ड्राइंग ऑफ एब्जॉर्बन कॉटन शुड नॉट बी मोर देन 8%। कितना बोला उन्होंने, 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका लॉस ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे कितना है 5.8, तो क्या बोलेंगे हम, हेंस द लॉस ऑन ड्राइंग ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ द एब्जॉर्बन कॉटन इज 5.5% वेट बाय वेट, हेंस द गिवन सैंपल्स कंप्लाइज एंड डज नॉट कंप्लाई एज पर IP। तो फिर हमको ये डिसाइड करना है कि एज पर IP कंप्लाई हुआ है या नहीं है, तो क्या हुआ है फिर, ये कंप्लाई हुआ है। और हम कब बोलेंगे कि ये कंप्लाई नहीं हुआ है, कि अगर ये जो टेस्ट है ये टेस्ट में वो उसका वेट जो है उसका परसेंट वेट 8% के ऊपर जाता था तब। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 17 जो है वो भी ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो चीज़, अच्छा आपने देखा होगा कि यहाँ पर उन्होंने देयरफॉर 100 ग्राम से हमने क्यों किया उसका वेट, जब हमने 5 ग्राम सैंपल लिया था तो हमको उसको 100 ग्राम से करने की ज़रूरत क्या थी। तो जब भी हम ये वेट बाय वेट जब हम परसेंट निकालते हैं तो परसेंट किस बेसिस पे निकालते हैं, कि उस पर्टिकुलर वेट बाय वॉल्यूम की प्रिपरेशन में, मतलब 100 ग्राम की प्रिपरेशन में कितना परसेंट वो प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम की प्रेजेंट, इसलिए 100 ग्राम के लिए अगर वो 5 ग्राम के लिए इतना हो रहा है तो 100 ग्राम के लिए कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन हमने करने के बाद निकाला कि इतना परसेंट, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 5 की जगह पे 100 ग्राम होता था तो 5.8% वेट बाय वॉल्यूम उसका लॉस ऑन ड्राइंग वहाँ पे आता था। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फिनिश्ड और एक्सपेरिमेंट नंबर 17। सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक एंड एज वेल एज इन योर मैनुअल। थैंक यू। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी विल सी द एक्सपेरिमेंट नंबर 18, दैट इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर 10 सेंटीमीटर ऑफ एब्जॉर्बन कॉटन रिबन एज पर IP। थैंक यू।